हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सबका यूपी टेट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर हुआ, पेपर वन में जो इंग्लिश का पोर्शन आया था वो कैसा गया, क्या उसके बारे में थे, उसको कुछ मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के साथ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। ध्यान से देखते हो और मुझे अपना स्कोर भी जरूर वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहा है। इसमें सिर्फ इंग्लिश के पार्ट को ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से एडजेक्टिव का यूज किया गया, क्वालिटी, इंडेफिनिट, क्वांटिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव। नाउ मुझे यहाँ पे जो 100% श्योर हूँ मैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का एडजेक्टिव का यूज किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एकमात्र ही एक क्वेश्चन है जिसमें हो सकता है कि आपको आयोग की आंसर की और मेरे बताए में कुछ प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है मिस स्पेल्ड है। चलो, तो इतना आप सभी लोगों ने जब से भाजपा सरकार बनी हुई आपने गुड गवर्नेंस नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गवर्नेंस की ही स्पेलिंग गलत दी गई है, तो जब स्पेलिंग गलत दी गई है हमसे पूछा गया क्या गलत होगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3। ठीक है, गवर्नेंस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। चलो, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अटेन्यूएट। ठीक है, अटेन्यूएट का आपसे पूछा गया यहाँ पर इसका एक्यूरेट मीनिंग, इसका सिनोनिम पूछा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, पतला कर देना, उसको छिड़ कर देना, इस तरह के वर्ड कम यूज करते हैं ना, तो उसको कम कर देना। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड हमारे सामने दिया गया मेक थीन, सो एटेन्यूएट का मतलब हो जाता है क्या, मेक थीन। ठीक है, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। अब देखो कंजंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो एकदम सिंपल सी बात है। देखो, नो सूनर का जो सेंटेंस बनता है उसके साथ हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं देन का। ठीक है, हाँ, बट का यूज हुआ गलत, एंड का यूज हुआ गलत, वेन का यूज हुआ गलत, देन का यूज हुआ सही, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो, इंग्लिश का पेपर काफी आसान था, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली। देखो, पिक द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द वर्ड जुडिशियस। जुडिशियस मीन्स होता है जो न्यायपूर्ण होता है, और उसी को हम सब कहते हैं, उसी के लिए सिनोनिम का यूज किया जाता है प्रूडेंट का। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड दिया गया इम्प्रूडेंट, ये इसका सिनोनिम, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं 65 से 66 की ओर। 66 कहाँ गया, नीचे ही था क्या। द मीनिंग ऑफ द idiom टू पुट आउट। टू पुट आउट मीन्स होता है, ठीक है, टू पुट आउट का मीन्स होता है खत्म हो जाना, एक्सटिंग्यूश कर देना, तो उसको हम सब ऑप्शन नंबर 3 कहेंगे। वोकैबुलरी बेस्ड तो थे क्वेश्चन ही, बट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा खासा यूज दिखने को मिलता है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। ठीक है, देखो विच जैसे जो वर्ड हो जाते हैं वो सेंटेंस में क्लोज को ऐड कर देते हैं, जब क्लोज ऐड होता है सेंटेंस में तो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्लेक्स। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट डैश द रॉयल बाय द रॉयल, ऑप्शन नंबर 3 हो गया यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, मतलब थक कर बच्चे कहाँ चले गए, घर चले गए, तो बींग टायर्ड ऑफ प्लेइंग चिल्ड्रन वेंट होम, खेलते खेलते बच्चे थक गए, घर की ओर चले गए। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। देखो, सिंपल सेंटेंस आपसे बनाना कहा गया, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग, इट वॉन्ट कीप अवेक। ठीक है, देखो एक कॉम्बिनेशन बनता है टू के साथ टू का, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अवेक, ये सही है। टू के साथ सो नहीं बनता है, टू सो, फिर देखो टू एंड का यूज किया गया। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा मतलब हर क्वेश्चन पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ती है, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। यूपी टेट के लेवल के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन मैं मॉडरेट लेवल में डाल सकता हूँ क्योंकि टेट का एग्जाम था, बट हम यहाँ पर टीजीटी पीजीटी डिस्कस करते हैं ना, तो वो सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते ही रहते थे। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना था, रीजन बताना था, क्योंकि उसने अपना बिल पे नहीं किया इसलिए उसकी बिजली काट दी गई। सो एज से हम क्या बता रहे, रीजन, लेकिन नहीं होगा, अनलेस नहीं होगा, आइदर नहीं होगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए देखते कुछ मजेदार क्वेश्चन को। डेथ रेस इज आईसी हैंड्स ऑन द किंग। डेथ, डेथ किसी का हाथ नहीं होता है, डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये बन गया आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच।
चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फ्लोइंग द गाइड सेड दैट नो वेयर इन द वर्ल्ड अ फेयर बिल्डिंग यू विल फाइंड इन द ताजमहल। अब देखो अगर इसके बारे में बात की जाए, द गाइड सेड दैट नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग देन द ताजमहल। ठीक है, नो द गाइड सेड नो वेयर इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स पी, नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड, पी के बाद आर, अ फेयर बिल्डिंग, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर फोर हो सकता है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका मैं कंसिडर करूंगा, यू विल द गाइड सेड यू विल फाइंड नो वेयर इन द वर्ल्ड अ फेयर बिल्डिंग देन द ताजमहल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फोर ही करेक्ट होगा, या इसको, हाँ फोर करेक्ट होगा। मतलब पेपर को इन्होंने क्या किया है, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड के रूप में हमें बनाने की कोशिश किया गया। ठीक है, द अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश, मतलब जो तुम्हारे पास है उसी में क्या रहो, संतुष्ट रहो। टू बी डिससेटिस्फाइड विथ वाट यू हैव, टू कैच टू बर्ड्स, इट्स बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वाट इज नॉट योर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इट इज बेटर टू सेटिस्फाइड वाला ऑप्शन, यहाँ डिससेटिस्फाइड दे दिया गया ना, इसलिए गलत हो जाएगा। ये तो मीनिंग से ही पढ़ के हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर कुछ चिड़िया जो है तो ऐसा ही बनेगा। व्हाट आर द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, डायनासोर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अमेरिकन साइंटिस्ट होंगे नहीं, डेजर्ट होगा नहीं, इंडियन साइंटिस्ट होंगे नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन को वो भी करके काट पीट कर भी हम इसको यहाँ पर डिटरमाइन कर दे रहे हैं आराम से। वैसे मेरा पेपर था नहीं, बट फिर भी पेपर कुछ सही है इंग्लिश का, तो उतना प्रॉब्लमेटिक मुझे नहीं लगा। फ्लोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, यहाँ पे फेस है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, बाकी वर्ड्स हैं, कभी दूसरे वीडियो में ऑफिशियल आंसर की के बाद में आपको एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्या कैसे क्यों यूज हुआ है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, देखो हर सेल्फ नहीं होगा, हिम सेल्फ, क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, नहीं होगा, ईच अदर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर, ही इज अ बिग डंकी, मेटाफर है, ही इज एज बिग एज अ डंकी, सिमिली हो जाता है। माई हार्ट लिप्स ऑफ व्हेन आई बिहोल्ड रेनबो इन माई स्काई, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, बिटर स्वीट हो गया ऑक्सीमोरॉन, और लास्ट कौन सा जाए देखूं तो भाई, द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ रोज, सिमिली। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बचता है। ठीक है, चूज द पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कराता है दोस्तों, इकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी नहीं होगा, डेमोग्राफी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चल डेमोग्राफी होगा, जीनोलॉजी भी नहीं होगा, तो कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन बन सकते तो सारे तरह से क्वेश्चन वहाँ पे दिया। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इन टू अ डायरेक्ट सेंटेंस, सेट टू, आस्क्ड को हम सब कर देते हैं सेट टू। ठीक है, सेट टू करोगे तो आपके यहाँ पर दो तीन चार सब तो चले गए, ये ऑप्शन नंबर वन ही बचेगा। ठीक है, सेट टू करोगे आस्क्ड को, इफ के माइट को मे कर दोगे, हो गया, आई नो हर यहाँ था तो योर हो जाएगा, उतना जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सेट टू ही करना था, सेट टू में ही वो क्वेश्चन हमसे पकड़ा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखिए, 82 नंबर, द इडियम टू रिंग वंस ऑन बेल, टू थिंक प्रॉपरली, टू इंड्रूज इन सेल्फ प्रेज, टू कम्फर्ट अ थेफ्ट, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। ठीक है, आई थिंक इसका टू रिंग वंस ऑन बेल मीन्स क्या हो गया इसका, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट होगा इसका, आई थिंक ऑप्शन नंबर फोर, हाँ ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एडियम्स वगैरह थोड़ा आपको चेक करना होगा। अब यहाँ पे पैसेज के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, पैसेज तो पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, पैसेज आपने पढ़ा भी होगा, इसको सीधे मैं आंसर्स की ओर बढ़ता हूँ। तो क्या है कि इनकोर, इनकोर का मीन्स होता है जब आप परफॉर्म करते हो, आपसे एक बार और परफॉर्म करने को कहा जाए। ठीक है, व्हाट डिड किम डू इन द एंड, वो लास्ट में क्या करता है, स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड, वो हंस कर गायब हो जाता है। ठीक है, मैंने पैसेज पढ़ा है, आप भी एक बार देख लेना इसको, कि प्रॉब्लम नहीं होगी पैसेज में, बड़ा ईजी पैसेज आया था। सीटेट का पैसेज देखो हार्ड था, यूपीटेट का पैसेज बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। सेंचुरी मीन्स अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। ठीक है, 85 का आपका क्या हो गया, सेकेंड नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है,
मैजिशियन का नाम क्या था? किम राठौड़ था, ये तो यहीं कहीं था यार। मैजिशियन, ठीक है। कैपिवेटेड का मीनिंग क्या था? एस्टोनिस्ट, सबको उसने क्या कर दिया, सबको उसने शॉक्ड कर दिया, ठीक है। 87 का 1 हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अचानक से होता है, वेंड मींस होता है स्टिक, जो जादू की छड़ी होती है, ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग मींस होता है जंप करना, वो तो गया यार, आसान था, पेपर ही था, ठीक है। 90 का 4, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर मैं 2 या 3 क्वेश्चन को देखूँ, वो भी खासकर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको, अदरवाइज द पेपर ऑफ इंग्लिश वॉज वेरी गुड, बहुत ही ईजी कहूँगा मैं। थोड़े बहुत उसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह दिए गए थे, थोड़ा स्टैंडर्ड उन्होंने रेज किया इस बार के पेपर का, बट वाट एवर, द पेपर वॉज गुड एंड आई होप डेट आप सभी लोगों ने खूब शानदार तरीके से पेपर को सॉल्व किया होगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। वीडियो पसंद आया हो तो विल्सम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड डे, जय हिंद, जय।